हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल फिंगर्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे पम्पकिन की करी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पम्पकिन 500 ग्राम। ये कच्चे पम्पकिन है, इसकी नमक वाली सब्ज़ी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब ये पक जाती है तब इसकी मीठी सब्ज़ी बनती है। मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है, आप वो भी चेकआउट कर सकती हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मैंने 500 ग्राम लिया है। अब इसमें आप नमक स्वाद अनुसार डालें। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाल दें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, 1 टेबलस्पून बेसन डाल दें। इसे मिक्स करके और 10 मिनट के लिए हमें अलग छोड़ देना है। इसे हल्का टॉस कर लें और एक स्पून की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लें। इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। लगभग इसे 10 मिनट तक आप छोड़ दें ताकि जितने भी मसाले हैं उनका फ्लेवर इसमें अच्छे से मिल जाए। इसे आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप इसे अच्छे से फ्राई कर लें। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ाएं। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें ऑयल डालें। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकती हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल ले लें। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। ये मैरिनेट हो चुका है अच्छे से। अब इसे ऑयल में डाल दें, संभाल कर डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे लगभग 10 मिनट तक आप भून लें। जब तक ये भुनकर रेडी होगा हम मसाले निकाल लेते हैं। इसके लिए आप 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लें। इसके अलावा मैं सब्जी मसाला यूज़ करूँगी। प्याज मैं ले रही हूँ यहाँ 2 मीडियम साइज़ के। इस तरीके से आपको लंबाई में काटने हैं। अब एक बार आप ये चेक कर लें, ये देखिए ये लगभग भुन चुका है। अब इसे आप एक प्लेट में निकाल लें। मैं उसी कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो अलग कढ़ाई यूज़ कर सकती हैं। इसमें ऑयल डालें 2 टेबलस्पून। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डालें साबुत जीरा और 1 तेज़पत्ता, थोड़ी सी हींग डालें। जब ये अच्छे से पक जाए तब इसमें प्याज डाल दें। प्याज को अच्छे से भून लें। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज भून चुके हैं, अब इसमें जो हमने सूखे हुए मसाले निकाल कर रखे थे वो डाल दें। इसे मिक्स करें अच्छे से। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें 1 टीस्पून। मिला लें अच्छे से। अब इसमें टमाटर डाल दें 2 मीडियम साइज़ के, छोटे छोटे पीसेस में काट कर आप इसे डाल दें। इसे मिलाएं।
और जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आप इसे भूनती रहें। इसमें नमक डालें स्वाद अनुसार। हमने नमक पम्पकिन में भी डाली हुई है तो आप इसमें थोड़ा कम ही डालें। मिक्स कर लें। अब इसमें हल्का पानी डाल दें, थोड़े पानी ही डालें, लगभग 2 टेबलस्पून पानी डाल दें। इसे पकने के लिए छोड़ दें। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डालें। मिक्स कर लें। टमाटर लगभग सॉफ्ट हो रहे हैं। अब इसमें डालें सब्जी मसाला। ये मैंने होममेड सब्जी मसाला डाला है, इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है पहले, आप वो चेकआउट कर सकती हैं। मिक्स कर लें। और इसे तेल छोड़ने तक पका लें। मसाले बिल्कुल रेडी हैं। अब इसमें आप पम्पकिन डाल दें और इसे मिक्स कर लें। दस मिनट तक इसे अच्छे से भून लें और अब इसमें पानी ऐड करें। इसे मिला लें। आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकती हैं। अगर आपको चपाती के साथ खानी है तो थोड़ा कम पानी डालें, और अगर आप इसे चावल के साथ खाना चाहती हैं तो पानी आप थोड़ा ज़्यादा डालें। अब इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दें। 5 से 10 मिनट के बाद आप इसे देख लें। मैंने थोड़ी पतली करी बनाई, आप चाहें तो थोड़ा गाढ़ा करी बना सकती हैं, इसके लिए आपको पानी कम डालना है। मेरी पम्पकिन करी बिल्कुल रेडी है। गैस ऑफ कर दें। अब इसे एक बोल में सर्व करें। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकती हैं। चपाती के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है और चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इसे आप निकाल लें। ये देखिए, ये मेरी करी थोड़ी पतली है, आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकती हैं। हमारी पम्पकिन करी बिल्कुल रेडी है। इसे आप धनिया पत्ते से गार्निश कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलूँगी। बाय फॉर नाउ।